हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार फिटनेस को लेकर अवेयरनेस कैंपेन किया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं नया पहल किया गया केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा, सबको चैलेंज दिया जा रहा है कि फिटनेस वीडियो शेयर कीजिए। उसी के तर्ज पर कल प्रधानमंत्री ने भी अपना फिटनेस वीडियो चैलेंज को स्वीकार किया और एक वीडियो जारी किया। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी फिटनेस को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं, मंत्र देते रहे लोगों को? इसकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है, क्योंकि हमारा मानना है कि देश के अंदर हॉस्पिटल खोलने से बीमारी नहीं जाएगी। अगर इस देश से बीमारी को भगाना है तो एकमात्र रास्ता है कि लोग खेल से जुड़ें, और कम से कम 24 घंटे की दिनचर्या में अपने ऊपर कम से कम एक घंटा खर्च करें, क्योंकि ये केवल हमारा ही सवाल नहीं है। हम फिट हैं ये हमारा सवाल नहीं है। हम अगर फिट रहेंगे तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, हमको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ेगी और अच्छा माहौल रहेगा। और दूसरे, जैसे युवा पीढ़ी के लिए, एक स्वस्थ आदमी ही एक स्वस्थ बच्चा पैदा करता है, एक स्वस्थ आदमी ही एक स्वस्थ बच्चा पैदा करता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने तमाम नए नए विषय की उन्होंने खोज की है जो देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है। उसी में उनका जो ये है कि फिट इंडिया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हमारा तो मानना है कि बूढ़े और बीमार को छोड़ करके हर आदमी के खेलने कूदने की व्यवस्था होनी चाहिए और खेल कूद से जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि फिटनेस को लेकर जो कैंपेन चला जा रहा है उससे कहीं ना कहीं युवा और सभी वर्ग प्रेरित हो रहे हैं और लगातार फिट इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है। फिलहाल कैमरामैन आशीष के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। आजमगढ़ और गोरखपुर जिले में बॉर्डर पर बहने वाली घाघरा नदी की